बरगड़ खबर जानिबा सब्सक्राइब करंतु ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस। अगस्त एक तारीख समय सकाळ 7:00 समय रे बोडलु देवगा रास्ता रे थिबा गिरसु नदी पोलो तलरु गुरुतर अवस्था रे स्वेच्छासेवी विकास अग्रवाल और साथी द्वारा उद्धार होइतिबा 23 वर्षीय झी प्रिया सिंह प्रथमे बरगड़ जिला मुख्य चिकित्सालय पर अवस्था संकटापन्न होबारु भीमसार बुल्ला को स्थानांतरण कर सेठारे दीर्घ 8 दिन चिकित्सा होगा पर किसी मात्र आरोग्य लाभ कर झी प्रिया सिंह घटना विषय टाउन थाना बरगठारे रविवार लिखित अभियोग करते सूचना अनुसार प्रिया सिंह और सुब्रत भोई उभय विभाग अहमदाबाद रोते जुलाई 31 तारीख विमान जोगे आसी भुवनेश्वर पहुंची और सेठार कार जोगे हालुपाली अभिमुखे आसी कि बोडलु देवगा रास्तार गिरसुल नदी में ओह्लै कार को फेरस्त करदे और विपरीत दिग्वर एक बाइक स्वामी सुब्रत भोईर बापा उत्तम भोई आसी और पूर्व योजना अनुसार उभय आतर्कित भाव झील को आक्रमण करते तंटी चिपी दे प्रिया अचेत हो जाते पर मरी जाता भाभी प्रिया को पोल तल को फोपाड़ उभय सेठ फेरार हो जाते और कहीं न जाणला पर सुब्रत भोई कम गाँव क्वारंटाइन सेन्टर रही है बरगड़ टाउन थाना एक मामला रुजु होता बेले पुलिस घटना तदंत कर अभियुक्त उभय बाप पुओ को कोर्ट चालान कर जो मेरे साथ किया है उसको कभी भी सजा पूरा मिलना चाहिए उसको और छूटना ही नहीं चाहिए ताकि सबको ये सबक मिले कि किसी लड़की के साथ ऐसा करने से ऐसा होता है। अब मेरा ओडिशा पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे पूरा पूरा इंसाफ मिले और दोषी को सजा मिले। पल्सा मिंटी वाला पोरे प्रेमी को पाल्टी गला धोखेबाज 420 प्रेमी को निज बापा सहित तो मिसी निज प्रेमिका को सबुदिन रास्तु हतई देवाक प्रयास प्रेमिक और प्रेमिकर बापा मिसी प्रेमिका तंटी चिपी पर पोलतल को फोपाड़ी देते प्रेमिका को किंतु देखु भाग्य रखिल घटनार 9 दिन पर न्याय दाबी नहीं बरगड़ टाउन थाना को पहुंची प्रेमिका प्रिया एबे सुनंतु पूरा घटना। माय नेम इज प्रिया सिंह फादर्स नेम बबलू सिंह माय मदर्स नेम मंजू सिंह फ्रॉम छत्तीसगढ़ और मैं जहाँ जॉब कर रही थी सुब्रत भाई वहाँ मुझे मिला था। उसने खुद मेरे घर वाले से कांटेक्ट करके मेरे से शादी करने का प्रस्ताव रखा था और मेरे घर वाले ने आए उससे बातचीत किया और उसने सब अपने बारे में बताया। उसके मुताबिक मेरे घर वालों ने बंगाल में मेरी शादी करवाई। मेरी फैमिली के बीच में सभी थे और हम लोग 3 साल रहे जहाँ हम लोग जॉब करते थे वहाँ उधर पर्सनल रूम ले कर रहते थे। हम रायपुर में ही रह रहे थे और उसके बाद अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। अहमदाबाद से हम 31 को यहाँ भुवनेश्वर आए थे फ्लाइट से और फ्लाइट से वो आए फिर वहाँ से पर्सनली कार बुक करके हम लोग उसके घर को जा रहे थे तो तभी वहाँ पे उसके पापा आए और वो दोनों मिलके उसके पापा ने मैं बैठी थी तो उसके पापा ने नीचे पीछे से आके मेरा गला दबाया। उसके बेटे ने सुब्रत भाई मेरे हस्बैंड ने उन्होंने मेरा पैर पकड़ के रखा था और जब वहाँ से एक साइकिल वाला जा रहा था तो मैं हेल्प के लिए उनको आवाज़ लगाई तो मेरे पति ने मेरा मुंह दबा दिया था पूरा से मुंह नाक सब बंद कर दिया था और मुझे छिपा दिया था। जब वो चले गए तो दोनों मिलकर बहुत ज़ोर से गला दबाए। जब उसके बाप से उत्तम भोई से नहीं हुआ मैं कुछ मेरा गला नहीं दबा पाए तो उसके बेटे ने कहा सुब्रत भोई ने मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप पापा इतना भी नहीं कर पा रहे हो ऐसे करके फिर उन्होंने मेरा गला दबाया बहुत ज़ोर से और उसके बाद मैं उनको लगा मैं मर गई लेकिन मैं बेहोश हो गई थी तो उन्होंने मुझे पुल के नीचे फेंक दिया था। मैरिज को 3 इयर्स हो गया था और उस बीच में वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता था। इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था जो हर किसी के साथ होता है नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के साथ वैसे लड़ाई झगड़ा होता था। वो मुझे प्यार से रखा था लेकिन यहाँ ला के अचानक ऐसे किया मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे मम्मी पापा से प्रॉमिस किया था मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा कुछ भी होने नहीं दूँगा ऐसे करके ना मांगे मुझे इंसाफ चाहिए और जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। मेरे साथ किया है उसको कभी भी सजा पूरा मिलना चाहिए उसको और छूटना ही नहीं चाहिए ताकि सबको ये सबक मिले कि किसी लड़की के साथ ऐसा करने से ऐसा होता है। अब मेरा ओडिशा पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि मुझे पूरा पूरा इंसाफ मिले और दोषी को सजा मिले। मेरा नाम बबलू सिंह है सर। मैं रहता छत्तीसगढ़ का हूँ।
राजा भानपुरी गांव है, पोस्ट पेंड्री है, जिला राजनंद गांव है, थाना लालबाग है। और मैं काम करता हूँ तमिलनाडु में, मैं मेरे वाइफ और मेरी बेटी का शादी यहाँ पर बरगढ़ में हुआ है। तो मेरे को कुछ नहीं मालूम था कैसे क्या हो गया, लेकिन मेरे को कोई खबर नहीं कि मेरा दामाद भी खबर नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो व्हाट्सएप में किसी के पास मैं छोटा मोबाइल चलाता हूँ, मेरे को नहीं पता व्हाट्सएप का कैसे है। तो किसी के पास फोटो आया तो उसमें ना आधार कार्ड आया था, तो बताया आधार कार्ड देखो तो किसका आता, मैं देखा मेरा लड़की का है। तो उन्होंने बताया आपका लड़की का कमर टूट गया, आपका कोई उसको पुलिया से नीचे फेंक दिया है। उसके बाद यहाँ से फिर मेरे को वालों कॉन्टेक्ट कराया विकास सर से, इससे बात करो। तो मेरे को ये बात की है कि बताया ऐसे आपको लड़की को फेंक दिया है, अरे बेहोश है। मेरे को खबर मिला 3 तारीख को, अरे लड़की को लड़की मिला इनको 1 तारीख को। तो उसके बाद मैं बोला सर कैसे बताइए मेरे को, मैं थाना में कॉन्टेक्ट किया तो मेरे को उनका नंबर मिला था सर का, मैं सर का नाम नहीं जानता हूँ। तो उसके वजह से बात किया कि आप यहाँ पर आके FIR कर दीजिए। मेरा सर मेरा FIR कर दीजिए, बोलते कोई बंदा आपको आना पड़ेगा। मतलब सर मेरा लॉकडाउन है, मैं तो आ नहीं पा रहा हूँ, अभी कोई गाड़ी नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी सर आप कुछ कर दीजिए। बोलते नहीं आप आ जाइए। तो उतना मैं विकास सर से बात किया हूँ, बोलते आप आ जाओ, अब यहाँ पर अपना इसका आप FIR करा दीजिएगा। तो उसके बाद मेरा लड़की से मेरे को उसके बाद इसका होश आया, तो मेरे को ना थाना वाला से बात कराया, किसी का नंबर से बात किया मेरे को नहीं मालूम है। तो बोलते पापा मैं ठीक हूँ, उसके बाद आप लोग आ जाइए। मतलब ठीक है, मैं कोशिश कर रहा आने का। उसके बाद हम लोगों ने अभी आए हैं, बस पकड़ के आए हम लोग, वहाँ से निकले। हम लोग को 6 दिन का जर्नी हो गया, कल 4-5 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। उसके बाद सर को बोले, सर मेरे को मदद किया बहुत आपका विकास सर, और उनके साथ में और भी बहुत जन आए थे, हाँ उसके पूरा टीम आए थे। उसके बाद मेरे को लेके जाए FIR कराया, मेरी लड़की बयान लिख के दे दी है, प्यार करके शादी किया, कैसे हुआ शादी की, मैं तो अपने अरेंज करके आया था उसको, लेकिन उसको लेके आके उसके घर के सामने पूरा प्लान से उसका बाप बेटा मिल के उसको मार के पुलिस से फेंक दिया। नमस्ते, मैं मंजू कौर प्रिया सिंह की मम्मी हूँ, और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ। उड़ीसा पुलिस पद्मिनी साहू से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए। वो खुद एक महिला है और महिला का दुख दर्द समझ के, और मैडम मेरे को इंसाफ दिलाए। पूरा उड़ीसा पुलिस से मेरा यही निवेदन है, और विकास सर को हर मुसीबत से भगवान बचाए। वो मेरे बेटी के लिए भगवान की तरह आए थे, और उनका टीम हर समय आगे बढ़ते रहे। और विकास सर को मैं धन्यवाद देती हूँ अपने तरफ से, एक माँ की तरफ से धन्यवाद देती हूँ, जो भगवान विकास सर को मेरे बेटी के पास भगवान के रूप में पहुँचाया। और उनका टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और मैं पद्मिनी साहू मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाए। विकास कुमार अग्रवाल, संकल परिवार बरगढ़। ये जिन घटनाटे गोटे झीओटे बड्डल रु देवगा रास्तार ग्रीष्म नदी पोल तले पड़े आम खबर पाइल, जेनटा कि सकाल ट्राक्टर वाले बालीना वाले जैसन नदी के सेने देखला आमको खबर दे आम से जगह पहुँचल। टुकलटा अत्यधिक बहुत सब जगह आघात होता, तारपर ताके आम एम्बुलांस साहय सर्वप्रथम जिला मुख्य चिकित्सालय बरगढ़, तारपर तार अवस्था आज संकटापन्न होवर ताके आम बुर्ला भीमसार बुर्ला को नहींदूँ। सेटार विभिन्न तार परीक्षा कराइला, और जिते अर्थोपेडिक परीक्षा कराइला, एक्सरे कराइला, सीटी स्कैन कराइला, अल्ट्रासाउंड कराइला, विभिन्न परीक्षा कलापुर से जानवर के पाइल जो से इंटरनाल तार बहुत इंजोर होता, से रक्तवाते भी करूला। तापर दीर्घ 6-7 दिन से चिकित्सा हालापर का डिस्चार्ज होकर बरगढ़ पहुँचला पर घटनार सब आम पुंगानुपुंग जानवाक पाइलु। झील निजे कहते घटना विषय तार स्वामी सुब्रत भई जे कि 2 वर्ष तले से बाहर, सुब्रत भई आ तार बापा उत्तम भई दुई लोक मिसिकर पोल तले पिटी थे। फास्ट पिटला पर तार गला दबे तापर से अचेत हो मरीगला भाविक पोल तलू फेंकी बोली झील निजे से सब कही कल आम भी बरगढ़ पुलिस स्टेशन में पहुँचे देखला झीर पुअर पिला से तार बापा दुई लोक स्वीकार करूँ घटनाटा भूल भूल घटनाटा होती से घटना स्वीकार करूँ। व्यक्तिगत मतामत आम संकल परिवार मतामत अनुसार मुझे कहूँ जपर घटना दुर्लभ घटना अटे, यपरी घटना बिल्कुल समाज रे गोटे सभ्य समाज रे हबार जरूरी बिल्कुल हबार ना हबार कथा। ताको कड़ा रु कड़ा दंड दंड विधान शास्ति दिया गले सेपरी महिला मानको अत्याचार जो होची आज आज डेट रे सर किछु मात्रा रे तार कम हे परंता आ महिला माने उचित न्याय पाए परंते, तेनो दोषी को कड़ा दंड दिया जाउ बोली मोर डिमांड रहउची। एटा समाजसेवी प्रभास महापात्र, ए घटनाटा आमे गला 1 तारीख दिन विकासंकर फेसबुक रे आमे जानवार को पाइलु कि गोटे झियो के मारिक पकई दि जाइए। आ घटनाक्रम से झीटा बचीचन से आमर लगे गोटे खुशीर खबर है। जिते बेले हस्पिटाल के जाइ हस्पिटाल सब ट्रिटमेंट हो सारापर कल तर घर के नहीं तर शासघर जेनटा बोलकर कौन हालुपाली सुब्रत भई कर घर से जगार फेर थाना निके आईन थाना निके आसला आम मैंने मेसीचू। झीर स्टेटमेंट शुणापर
घृणा लगुचे जेन लोग मैंने मानववाद कथा भूली जाऊन मानविकता कथा भूली जाऊन से लोग मैंने एंता गोटे कम कर लगे आज बरगढ़ जिला से पिलार लगे दुखी थे आम समाजसेवी हिसाब से निजके गर्व नहीं कर पार्बार आम जेनता पिला बरगढ़ जिले में अच्छा बोलकर तेणुक गोटे समाजसेवी हिसाब से गोटे नारी पुरुष समानता कि परस्पर भितर स्नेह श्रद्धा और प्रेमटा जदि गोटे शाश्वत चिरंतन सत्य है ताहले ये प्रकार मानने क्रूर मान व्यवहार नहीं करार कथा जदि कर झीर कहार अनुसार से मैंने स्पीकार कले न थाना ताको कठोर कठोर दंड मिलवार कथा आ विकास भाई जेकि बरगढ़ गोटे उदयमान समाजसेवी ताक सेवा बल आज गोटे झीवर जीवन बची पारिजे तेणुक गोटे संकल्प परिवार विकास भाई को मुझे अशेष अशेष धन्यवाद दौचा ये भाई मान लगे आम गर्व अनुभव करूँ कि से भाई बरगढ़ जिलार लगे आम दुख अनुभव करूँ एंता पिला बरगढ़ जिले में निश्चित भाव दंडित होवार कथा। प्रिया सिंह गोटे छत्तीसगढ़ गोटे रिपोर्ट दे थाना से अगस्ट 311/498-307 आईपीसी रे केस है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सुब्रत भई और उत्तम भई दुई जन बाप को अरेस्ट करा है आई समान कोर्ट चलाण हो जो मैंने भी देखी समान को मो धन्यवाद जनाऊँ जो मैंने सिफ्ट कर धन्यवाद दूँ आगामी दिन में कम करें आशा कर बरगढ़ समस्त छोट बड़ खबर जानिबा पाई जोड़ी रुहंतु आम सहित तो।